ਜਾਣਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਆਖਰੀ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਲੀਗ ਇਹ ਸੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸਹਿਤਾਰੀ ਕੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹਿਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਲਿਆ ਰਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਤਜਮਾ ਇਹ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਹਿਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਹਿਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਗੁੱਡੂ ਕਰਨਾ ਲਾਨਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਮ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਚਾਂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਚਾਂਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ੀ ਛੋੜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ ਅੱਲਾ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੈਸੇ ਬਣਤਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੈਸੇ ਬਣਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੱਜ ਕੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਕੈਸੇ ਜੰਨਤ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਤਲ ਸੌ ਕਤਲ ਕੈਸੇ ਮਾਫ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਆ ਹੋ ਜੰਨਤ ਦੇਖੀ ਹੋ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇਖੀ ਹੋ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕੀ ਹੋ ਅਜ਼ਮਤ ਇਲਾਹੀ ਕੋ ਜਾਣਤਾ ਹੋ ਵੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ ਕੌਣ ਸਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਇਬਾਦਤ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਇਗਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਅਕਦਸ ਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਥੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਾ ਨਸੀਬ ਬੇਅਦਬ ਬੇ ਨਸੀਬ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੋ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਤਾ ਹੋ
आपके पीछे नमाज पढ़ता हो, मदीना शरीफ में रहता हो, पीछे जिहाद करता हो, इतनी अजमत वाला बंदा हो, लेकिन वो अगर ये कह दे कि नबी को इल्मे गैब नहीं, तो उसी रहे मुनाफिक हो जाता। इल्मे गैब के इनकार से सारी अजमत खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब अता फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात अल्लाह ताला की बारगाह में गए, अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना मुबारकों पर रखा, तो आपने उसकी ठंडक महसूस की। फरमाया, जो कुछ हो चुका था, जो हो रहा है, जो होगा, हर चीज अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अजान है। एक मुल्क होता है, एक मलकूत होता है। मुल्क वो है जो हमें नजर आता है, जमीन चांद सूरज सितारे हमें नजर आते हैं। मलकूत वो हमें नजर नहीं आते, फरिश्ते हैं, जन्नत है, दोजक है, वो हर चीज पे नजर मेरे मुस्तफा की। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, आपने अपना हाथ मुबारक ऐसे बुलंद कर दिया, बुलंद करके थोड़ी देर के बाद नीचे कर लिया। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्योंकि साहबा कराम हर वक्त अदाए मुस्तफा को देखते थे, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये बाजू अब हाथ मुबारक आपने बुलंद किया फिर नीचे कर लिया। फरमाया कि साहबा कराम, मैंने सोचा कि जन्नत में अंगूरों के गुच्छे लगे, मुझे अच्छे लगे, मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो मैंने हाथ बुलंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बाद में जाके जन्नत में ही खा लेंगे, तो हाथ नीचे कर दिया। तो ये दीवार मुबारक मुझे नजर आ रही है, यहां तक मेरा हाथ नहीं जा सकता। जन्नत सातों आसमानों के ऊपर है, जिस हस्ती का हाथ मुबारक सातों आसमानों से ऊपर जा रहे हैं, उनकी नजर कहां से जाएगी? फिर अल्लाह का दीदार किसी ने नहीं किया, मेरे नबी करीम ने अल्लाह का दीदार भी किया। और कोई गैब तुमसे निहा हो गला, जब खुदा ही ना तुम पे छुपा, तुम पे करोड़ों सुबह। जब खुदा ने अपना दीदार मेरे नबी को करा दिया, तो तुम किन से कौन से गैब की बात करते? डॉक्टर अकबर फरमाते हैं, या नूर मुस्तफा उरा बहास, या हनूज अंदर तलाश मुस्तफा। कायनात की हर चीज नूरे मुस्तफा से बनी है, जिसने बनना है वह नूरे मुस्तफा की तलाश में है। तो जिनके नूर से कायनात की हर चीज बनी है, जिनके नूर से हर चीज वकू पजीर हुई है, तो उनको हर चीज का इलम होगा। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बात करते हैं, जिस हस्ती को, जिस चीज को नबी करीम से निस्बत हो जाती है, उसे इल्मे गैब अता हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गया है, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप कब्रिस्तान से तशरीफ लेके आए हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है, लेकिन आपके कपड़े मुबारक गीले नहीं हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तूने क्या ओढ़ा हुआ? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका तहम शरीफ पहना हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस तहम शरीफ पहनने से तुम्हारी आंखों से गैब के सारे पर्दे हट गए। ये बारिश पानी की नहीं हो रही, ये बारिश नूर की हो रही है। इसका बादल भी कोई और है, इसका आसमान भी कोई और। फरमाया, हर किसी को नजर नहीं आता, लेकिन मेरे तहम शरीफ की बरकत से तुम पर गैब के राज खुल गए। सरकार एक मरतबा वजू फरमा रहे थे, आपने अपने मोजे मुबारक उतार दिए, तो एक चील आ गई, वो आपका मोजा मुबारक उठा के ले गई, ऊपर उठा के ले गई, तो उसने जाके वो मोजा मुबारक उलट दिया, तो उसमें से एक सांप निकला, तो सांप निकल के गिर गया। तो आपने फरमाया कि तूने ये मेरा मोजा मुबारक क्यों उठाया? वो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, जब मैंने आपका दीदार किया, तो आपके सरे अनवर से लेके आसमान तक नूर ही नूर था। जब मैं उस नूर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे जमीन के सातों तबके रोशन हो गए।
उस रोशनी की वजह से, उस नूर की वजह से मैंने देख लिया कि आपके मोजे मुबारक में सांप है, तो मैंने कहा कहीं आप बेहतियाती में पहन ना ले, वो आपको तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए मैंने उसे उठाया था। तो जिस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाती है उसे मिल में गायब होता हो जाता है। नबियों से जिस चीज को निस्बत हो जाए, हुदूद सुलेमान अलैहिस्सलाम का परिंदा था उसे इल्म में गायब था, और जहां जिक्र मुस्तफा होता है नात खानी होती है, उस महफिल से भी नूर निकलता है। अल्लाह ताला हमें वो नूर देखने की तौफीक अता फरमा। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में गायब और शफात का इनकार करता है वो सील में मुनाफिक बन जाता है। वो बंदा जो हज करने गया हो, सारे उसने अरकान हज के पूरे किए हों, खाना काबा का तवाफ किया हो, सही किए हो, मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नफल पड़े हों, मिना गया हो, अरफात गया हो, लेकिन वो कह दे कि मैंने मदीने नहीं जाना, उसी लम्हे उसके सारे खत्म हो जाती है इबादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मक्के से होके आ जाए मदीने, जो मक्के हो जाए मदीने ना आए, मेरे दर पे ना आए, वो मुझ पर जिफा करता है, जो मुझ पर जिफा करता है वो अल्लाह पे जिफा करता है। तो अगर किसी के दिल में मदीने जाने की हसरत नहीं, तमन्ना नहीं, वो तो बंदा ही बेईमान, उसकी हर इबादत रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मदीने आना नहीं चाहता, जिसकी तमन्ना यह नहीं कि मैं मदीने में जाऊं, तो वो ख्वाह यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। और जो मदीने आ गया, फरमाया मैं उसकी शफात करूंगा। मन ज़ारा कब्री वजह बदलाउ शफात, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो। कुत्ता नजस है, उसे आप नहला लें, जो मर्जी कर लें, वो पाक नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसे किसी वली कामल की निस्बत हो जाए तो पाक भी हो जाता है, बंदा भी बन जाता है और जंती भी बन जाता है। जिन्होंने निस्बत पाक काम दी मिले जावे वो जंती है, कौमे कुत्ता हो बैठा कोई बात दे बूढ़े। सूरत काफ है, असाफ काफ का कुत्ता था, वो बलियों के दर पे अदब से बैठ गया, उसने कुछ नहीं किया, वो अदब के साथ बैठा रहा। हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ बंदे जा रहे होंगे, उनके चेहरे नूरानी होंगे, उनके सरों पे ताज रखे होंगे, वो जा रहे होंगे तो हर बंदा उनकी तरह मुतवज्जे हो जाएगा, तो एक पीछे बंदा सबसे पिछले बंदे को पकड़ लेगा, उसे कहेगा तुम कौन हो, वो कहेगा ये साबे काफ के वली है, मैं तो इनके दर का कुत्ता हूँ, आज बंदे की शक्ल में जन्नत में जा रहा, फजल तेरे ना लोहे तर दे फटे आंदे संग जा के, कुत्ते भी जन्नत नु जान मोहम्मद संग वलियों दे ला। तो जो 100 कतल किए हो जिस बंदे ने, 100 का कतल हो, जिसने एक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, उसको अगर बख्शवाना है तो क्या किया जाए, उसे किसी वली कामल के दर पे भेज दो, वो बख्शा जाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि वो बंदा रास्ते में मर गया था, अभी तो दर पे गया नहीं था, लेकिन उस रास्ते मुबारक की इतनी अजमत है कि अल्लाह ताला ने उसके सदके से बख्श दिया। फिर एक गुनाहगार से गुनाहगार बंदे को अल्लाह ताला फरमाएगा तो फलां वली को जानता है, वो कहेगा हाँ जानता हूँ, कभी उनके दर पे गया नहीं, गया नहीं, फरमाया जाओ मैं तुझे इस जानने की वजह से बख्शता हूँ। यहाँ कोई कैद नहीं लगाई कि फलां वली है फलां, कोई नाम नहीं मेंशन किया हुआ, जिसको तेरा दिल मानता है वली वो वली है। तो अल्लाह ताला वली अल्लाह से निस्बत रखने की तौफीक अता फरमाना। मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पहला को सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पहला उनके रोजे को मिल गया
شوقت پہ لاکھوں سلام. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم. کدے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ انجر والا نا یا حبیب اللہ اس مقالا نا انہ نے ہی گاری ہمیں مغرے کن خود حدیث سیدنا شکالا نا یا رسول اللہ سیدہ آمنہ تارا سیدہ فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمارے پیر و مرشد کو صحت کاملہ عطا کر جن کا سایہ تھا دین ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. یا رسول اللہ ان کا فیض زمانے میں عام فرمائیے. یا رسول اللہ ان کی آل پاک کی خیر فرمائیے. یا رسول اللہ ادب مرشد قرب مرشد صبر مرشد عطا فرمائیے. کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اہل نظر کیا رکھا ہے سیب کے آنے جانے میں جب تک چمکے نہ تیرا ستارہ مرشد کے میں خانے میں. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کل کے ونور اچھے وزینت فرش محمد وعلیٰ علیہ وصحابی اجمعین برحمتی کا یاد.